हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? लाइक फर्स्टली मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और आप लोग वीडियो वॉच नहीं कर रहे हो, क्या बात है, प्लीज वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो चलिए फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको कहा था मैं अपने किचन का दिखाऊंगी किस तरह से उसका प्रिपरेशन हो गई है। अब मैंने उसको वहाँ पे सेटलमेंट सब कुछ अच्छे से कर लिया है। तो चलिए पहले किचन दिखा देती हूँ, क्या क्या कहाँ कहाँ पे रखा है, उसके बाद करते हैं आगे की बात। तो लेट्स गो किचन। लेकिन सॉरी गाइज, वहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उसका बल्ब है जो थोड़ा दूरी में लगा है, तो थोड़ा लाइटिंग की वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो प्लीज माइंड मत करना। और साथ में आपको आज दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया था चूल्हे पे, की सब्जी बनाई थी मशरूम और आलू मशरूम शिमला मिर्च की मैंने सब्जी बनाई थी फर्स्ट टाइम हमारे चूल्हे वाले किचन में, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि चूल्हे की खाने का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट ही होता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। चाहे आप कुछ भी नॉर्मल सी चीज, सिंपल सी चीज भी कोई बनाओगे तो उसका टेस्ट 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए पहले किचन का व्यू दिखा देती हूँ, कहाँ पे क्या क्या है, उसके बाद करते हैं आगे की बात। तो लेट्स गो। ओके गाइज, अब एंट्री करते हैं मेरे चूल्हे वाले किचन में। ये देखिए यहाँ पे आग भी जलने शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ देर पहले ही हम यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे आटे की सारी यहाँ पे रखे हुए हैं बर्तन, ऊपर भी बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी सारे बर्तन सज गए हैं, क्योंकि आज सारा दिन हम लोग यही काम कर रहे थे। तो आज का दिन काफ़ी बिजी रहा, क्योंकि ये सेटलमेंट करने में काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ देखिए जी, मेरी आग जल रही है एकदम रेड कलर की। बहुत ही मज़ा आता है मुझे इस किचन में आके, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से इंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं भी उनमें से एक ही हूँ। मम्मी तो मुझे बोल रहे थे क्यों आना चाहती है, हम नीचे ही हम लोग खा पी लेंगे साथ में, लेकिन मैंने कहा नहीं, सर्दी का टाइम है तो हम लोग ऊपर ही बैठेंगे, क्योंकि सर्दियों में अगर आग का मज़ा नहीं लिया तो क्या फ़ायदा। ये देखिए यहाँ पे गैस वगैरह सब कुछ सेटलमेंट हो गया है, सब कुछ यहाँ पे शुरू कर दिया है। अब बस शाम का खाना बनेगा, कुछ देर पहले हमने यहाँ चाय वगैरह पी है थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया है सेटिंग शुरू। अब यहाँ पे आज शाम को बनाऊंगी मैं खाना, सब्जी बनाऊंगी, चपाती बनाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत यूँ ही दिखा दिया, क्योंकि जो भी है सब आपके सामने ही, ऐसा नहीं है कि कुछ बढ़िया सा बना के ही दिखाऊंगी। जैसा है मैं वैसा अपने आपको किचन दिखा रही हूँ। ये देखिए सब कुछ यहाँ पे सेटलमेंट हो गया है, आटे वगैरह आ गए हैं, दालें वगैरह की सभी डिब्बे वगैरह यहाँ पर आ गए हैं। चलो अब थोड़ा बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। मौसम काफ़ी ठंडा था पूरा दिन, आज धूप बिल्कुल नहीं निकली थी। वो देखिए हमारे किचन गार्डन में भी अब सब कुछ ऑलमोस्ट लग गया है, सब कुछ यहाँ पे लगा है, साग वगैरह मूलियाँ वगैरह अपने खेत की लगी हैं। हम लोग खाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं खाने पीने, क्योंकि विंटर में तो खासकर काम होता नहीं है, खाने पीने का ही काम होता है। खेत अभी हमारे यूँ ही खाली पड़े हैं, क्योंकि अभी तक बारिश का सभी वेट कर रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी गेहूँ की खेती होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा है टाइम। इस तरह भी देख लीजिए जी, ठंडा मौसम था तो उसी में तो हमने इसको बेड में ही रखा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। काफ़ी ठंडा रहा आज का दिन सारा, और मुझे भी सर्दी शुरू हो गई है, आप सभी को पता ही है। ये मैंने थोड़े इवनिंग के टाइम में रिकॉर्डिंग की थी, अब इसके आगे का मैं आपको ये शाम का दिखाऊँगी। तो चलिए बैक टू किचन। ओके जी, तो यहाँ पर बन रही है मेरी सब्ज़ी, बननी होगी शुरू। यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज डाल दिया है बनने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर अभी डाले हैं चूल्हे में, और चूल्हे के खाने का टेस्ट तो आप सभी को पता है कैसा होता है, खाते ही सभी खुश हो जाते हैं कि इसका स्वाद यू नो 4-5 गुना ज़्यादा ही टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये सब्जी काट करके रखी है, यहाँ पे नमक हल्दी वगैरह सब कुछ अपने पास रखा ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। ये देखिए यहाँ पे मशरूम, आलू और शिमला मिर्च मैंने मिक्स करके मिक्स वेज बनाने की कोशिश की है, जो सभी को काफ़ी पसंद भी आई थी और सच में काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से खाना बना रही हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आग का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी आग ठंडी पड़ जाए तो सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो मेरा ध्यान चारों तरफ था, फ़ोन की तरफ भी था, खाने की तरफ भी था और आग की तरफ भी था, ताकि कोई भी मिस ना हो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ काम साथ में चलता रहे। इसीलिए मेरा ध्यान चारों तरफ रखते हुए मैंने सब कुछ सेटलमेंट यहाँ करा हुआ है। तो लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है गाइस, क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ी दूर है और थोड़े सा आपको लाइटिंग की थोड़ा इसमें पंगा दिखेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा तो उतना तो चलता ही है। यहाँ पे मैंने मसाला और लहसुन भी अपने खेत की डाल दी है, जो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा।
तो अब मैंने इसमें थोड़ी सी सब्जी डालना शुरू कर दी है। ये देखिए मैंने डाल दी है सब्जी। अब इसको बस थोड़ी देर में सारी सब्जी ऐड कर दूंगी जी, क्योंकि सभी को सब्जी हमारे घर में खाना बड़ा ज़्यादा पसंद है। अगर 3 टाइम भी सब्जी दे देंगे तो सभी इंजॉय करके खाएंगे, क्योंकि दालें वगैरह तो नेचुरली सभी खाते रहते हैं, लेकिन सब्जियों का टेस्ट खासकर चूल्हे की तो हर कोई बार बार खा मांगेगा। तो मैंने सारी इसमें डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले वगैरह नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और एक जैसा टेस्ट बन जाए सारी सब्जी का। तो एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में मैंने कढ़ाई हिला रही हूँ, कहीं नीचे ना गिर जाए, लेकिन आई होप नहीं गिरेगी। धीरे धीरे कर रही हूँ। ये देखिए कलर तो आपको अभी से अच्छा दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है गाइज, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा तो एडजस्ट करना सीखना चाहिए हमको हर एक सिचुएशन में। तो ये देखिए कलर सारा इक्वल हो गया है इसका अच्छे से। मैं इसको अब कवर कर दूँगी कुछ देर के लिए और बीच बीच में हिलाती रहूँगी ताकि सब्जी नीचे ना लग जाए, क्योंकि नीचे लग गई तो उसका टेस्ट थोड़ा जलने वाला आ जाएगा। तो ये देखिए जी यहाँ पे सब कुछ सेटलमेंट हो गया है, अच्छे से हो गई है ये मिक्स। अब मैं इसको कवर दूँगी कर दूँ। ओके तो यहाँ पे थोड़ा आपको रूम का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए रज़ाइयाँ वगैरह लग गई हैं और यहाँ पे मेरी मैडम कर रही है मेकअप। ये देखिए पता नहीं क्या इसको मिल गया है, वही अपने शीशे को मिरर में देख के लगाती जा रही है खुद को। और मैंने कहा तो कैमरे की तरफ देखने के लिए ऑल टाइम रेडी रहती है। ये देखिए अपनी कलाकारियाँ दिखा रही हैं मुझे, और साथ में मेरी मेकअप किट ये देखिए खुली पड़ी है, पता नहीं मेकअप के साथ क्या क्या करती रहती है। तो चलो जी ये तो इसका काम है। यहाँ देखिए रे यहाँ पर भी सेटलमेंट आ गई है, अब यहीं पे रहेंगे हम क्योंकि विंटर है। तो यहाँ पे सिमे के रखे हैं मैंने दो। देखिए यहाँ पे मैंने इसके कपड़े वगैरह डालने के लिए अलग अलग रखे हुए हैं दोनों तरफ, इसके लॉन्ड्री बैग्स, क्योंकि एक में जहाँ वही यूज़ करती है वो, और एक तरफ धोने के वाले कपड़े साथ में रहें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे विंटर की सारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पे आ गई हैं। अब हीटर भी यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो ये अब हमने यहाँ पे टीवी वगैरह भी अपना सेटलमेंट अच्छे से कर दिया है अरेंजमेंट। तो अब 4-5 महीने तो यहीं पे रहेंगे, एटलीस्ट 1 साल के बाद अब हम अपने रूम में रहें क्योंकि हम चंडीगढ़ चले गए थे। तो ओके गाइस, तो अब किचन से आ गई हूँ मैं रूम में। रात भी काफ़ी हो गई है, सिमे के पापा भी ऑफिस का काम कर रहे हैं और मैं और सिमे अपने रूम में आ गए हैं। तो कुछ देर बाद इसका सोने की प्लानिंग शुरू करूँगी, क्योंकि अगर इसका टाइम ज़्यादा हो जाए तो ये बिल्कुल नहीं सोती है। तो आज का व्लॉग कैसा था? सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आज जो मैंने बताया था किचन के बारे में बताना था आपको, क्या क्या सेटिंग करी हुई है, क्या क्या आज मैंने बनाया वो दिखाया है। कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट में बताना गाइस। ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्पेशल हो या कुछ अच्छा दिखाने के लिए, जो अच्छा हो वही दिखाएं। जो हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है वही हम दिखाएंगे। फेक दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फेक चीज़ें काफ़ी टाइम तक नहीं चलती है। इससे बेटर है जो रियलिटी है वही दिखाएं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छा अच्छा ही दिखाऊंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी गाइस। जो सिंपल लाइफ है, जो ऐसी सिंपल मैं हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में डेली रूटीन में करती हूँ यूज़, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ अगर अच्छा नहीं दिख रहा है तो वो नहीं दिखाऊंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैं हूँ, जिस तरह से मेरा लाइफ स्टाइल है, जिस तरह से मैं रह रही हूँ, जैसा मेरे घर में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वही मैं दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि फेक दिखाऊंगी, क्योंकि फेक चीज़ें नहीं ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसलिए जितना हो सके नेचुरल रहें। और ये देखिए मैडम भी अपनी एंट्री करवा रही है, से हाय। हाय। सर्दियों में इसकी हालत भी खराब है, क्योंकि ये हर टाइम कुछ ना कुछ पंगे बच्चे करते रहते हैं, उनमें मेरा बच्चा भी एक ही है जो काफी पंगे करती है। तो गाइज ये था आज का मेरा व्लॉग, कैसा को प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना गाइज। अगर आप लोग कुछ और देखना चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, और प्लीज़ पूरा वॉच किया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।